नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने वजन को कम करने का सही तरीका क्या है, घर बैठे कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे कि ना हमें कोई डाइटिंग करनी है, ना ही कोई हैवी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन फिर भी हमारा वजन जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है वो जमा होने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होने लगती है, इसके कारण हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। तो ये जब हम शरीर से अपनी गंदगी को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वजन जो है कम होने लगेगा। तो इस शरीर को गंदगी बाहर कैसे निकालनी, क्योंकि जब हमारा जो पेट साफ नहीं होता है तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी भरने लगती है, वही हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। टॉक्सिन बाहर कैसे निकलते हैं, या तो मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, या पसीने के द्वारा जो है टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। जब ये टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर, हमारी गंदगी शरीर से बाहर निकलने लगेगी तो ऑटोमेटिक चर्बी हमारी जो है वो पिघलने लगेगी, क्योंकि ये टॉक्सिन जो हमारे शरीर में जमा होते हैं इसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो इनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतनी मेहनत करते हैं, डाइटिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वजन नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो इतनी गंदगी जमा हो चुकी है वो आपकी चर्बी को नहीं पिघलाने देती है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है। देखेंगे आपका वजन भी कम हो जाएगा, स्किन भी आपकी चमकने लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वजन कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि सुबह मॉर्निंग में हमें रनिंग करनी होगी, जिसके कारण कि हमारे पसीना निकलेगा और जो है हमारा वजन कम करना। कोई एक्सरसाइज नहीं करें, आप सिर्फ रनिंग करें सुबह मॉर्निंग के समय, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। तो आप रनिंग करें, आपके जब पसीना आएगा, स्वेट आएगा, तो आपको जो है आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे और आपका वेट लॉस होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि फास्टिंग करनी होगी। फास्टिंग यानी कि आपको रोज डाइटिंग नहीं करनी है, रोज आपको खाने से परहेज नहीं करना है कि हमें खाना नहीं खाना है हमें, क्योंकि जब आप खाने का त्याग करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है। आप जहाँ आपको दो रोटी भूख होती है आप एक ही खाते हैं, आधी खाते हैं, एक एक टाइम गैप भी कर जाते हैं, तो कभी भी अपनी मील को गैप नहीं करना चाहिए, ये हमारा वजन और ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें खाना चाहिए, लेकिन हमें जो है ऐसा भोजन लेना चाहिए जो आसानी से पच सके। तो लेकिन हमें मील अपनी कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें फास्टिंग आप कैसे करेंगे, आप हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन आप फास्टिंग करें। सिर्फ पानी पी के ही फास्टिंग कर सकते हैं, या जूस पी के फास्टिंग करें, नहीं थे तो फल खा के करें। और यदि आप फल खा के भी नहीं कर सकते, आपको खाना खाने की आवश्यकता है, तो आप सिर्फ खिचड़ी खा के फास्टिंग करें। क्योंकि जो लोग वर्किंग वाले होते हैं, जिन्हें वर्किंग पे जाना होता है, वो लोग सिर्फ सारा दिन इस तरह उपवास करेंगे तो उनका काम करने में भी मन नहीं लगेगा, तो इसलिए वो लोग सिर्फ खिचड़ी खाएं, वो भी मूंग की दाल की, अरहर की दाल की खिचड़ी हैवी हो जाती है, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी खाएं, और उसके साथ में कोई अचार नहीं, कोई पापड़ नहीं, आप खीरे की सलाद ले सकते हैं, वो पानी होता है खीरा, तो इसलिए आप उसके साथ सलाद ले सकते हैं, और सिर्फ आप खिचड़ी खा के आप फास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा कि सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी पीना होगा। नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, तो हमारा वेट भी अच्छे से लॉस होता है। तो क्या होता है कि नींबू को गुनगुने पानी में, आप यदि गुनगुने पानी में सुबह आप आधा नींबू निचोड़ के लेते हैं तो देखेंगे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, और मल भी आपका अच्छे से साफ होगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं रहेगी। तो ये नींबू का सेवन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके शरीर में खुश्की रहती है तो आप उसमें शहद का यूज भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आंवला, हरबहेड़ा, जो त्रिफला का चूर्ण होता है, इसको भी आप सुबह गुनगुने पानी में ले सकते हैं। कभी आपने नींबू लिया तो कभी ये लिया, एक हफ्ते वो लिया, एक हफ्ते ये लिया, दोनों चीज एक साथ नहीं लेनी है, तो आप ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वो वेट लॉस करने में हमारी मदद करता है, शरीर के टॉक्सिन निकालने में हमारी मदद करता है। तो आपने नींबू पानी लिया और त्रिफला का चूर्ण,
इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने खाने में बहुत ज्यादा फाइबर का यूज करना है। मौसमी मौसम के जो फल होते हैं उनका यूज आपको ज्यादा करना है अपने खाने में। तो जब आप इनका करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही आपका पेट साफ होगा और आपका वेट भी लॉस होगा। और इसके साथ में आपको जो आप रोटी और चावल खाते हैं उसकी जगह आप यदि मिलेट्स का यूज अपने डाइट में करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देंगे। आप सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, रोटी कम खाएं और हो सके तो आप मिलेट्स का यूज करें, जिसके कारण की जो है आपका वजन जो है तेजी से कम होने लगेगा। और हरी सब्जियां खाएं, पानी भी खूब पिएं, तला भुना बिल्कुल नहीं खाएं। तला भुना जो है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी पैदा करता है। मैदा है, रिफाइंड है, चीनी है, ये भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी पैदा करता है और जो है मोटापा बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो जब ये सारी चीजें हैं, जो सारे ट्रिक्स यदि आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये कि आपका मोटापा जो है तेजी से कम हो जाएगा। और मोटापे, वजन कम होने के साथ साथ आपकी जो बीमारियां छोटी मोटी उत्पन्न हो रही थी आपके शरीर में वो भी जो है समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लीवर है, किडनी, ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं इन्हीं कारणों से होती है। तो जब आपका शरीर साफ हो जाएगा, आपका मोटापा भी कम होगा, ये सारी बीमारियां भी जो है यदि शुरुआत हो रही होगी या होगी या नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी। तो इस कारण जो है आपका मोटापे के साथ साथ में बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। तो आप ये सारे टिप्स अपनाइए और अपना वजन जो है तेजी से कम करिए। धन्यवाद।